नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। बात करेंगे दोस्तों चिकित्सा विभाग की 8 बड़ी भर्तियों को लेकर के। इस वीडियो में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथियों बताना चाहेंगे कि ANM, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट, इन सभी भर्तियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी जो सूचना है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि लैब टेक्नीशियन के अनुभव पुनर्सत्यापन जो है 20 मार्च से शुरू हो गए थे, जो आज तक भी जो है लगातार चल रहे हैं, पूरा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब 1100 अनुभव प्रमाण पत्र की पुनर्सत्यापन में सिफु इतना लंबा समय ले रहा है, तो ANM में करीब 7000 से ज़्यादा अनुभव का जो है पुनर्सत्यापन होना है, और साथ ही नर्सिंग ऑफिसर के जो है की बात करें हम तो करीब करीब 15000 के आसपास जो है अनुभव का पुनर्सत्यापन होना है। अब आप स्वयं एक बार अंदाज़ा लगाओ कि कितना लंबा समय लेगा सिफु। जब 1100 के पुनर्सत्यापन का कार्य सिफु पूरा नहीं कर सका 3-4 महीने के अंतर्गत, तो फिर आप स्वयं सोचिए कि जब ये 15000 प्लस 7000 22000 का पुनर्सत्यापन का जब सिफु शुरू करेगा तो कम से कम 6 महीने का समय इनमें लगा देगा। क्योंकि अब ऐसे तो ये अनुभव पुनर्सत्यापन का जो कार्य है वो 1 साल तक लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। जिस हिसाब से लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर में समय लगा है, उस हिसाब से तो 1 साल लग जाएगा। तो साथियों यदि आपको सबको जुलाई अगस्त में नियुक्ति चाहिए, तो फिर आपको फिर से एकजुट होना है। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सिफु व चिकित्सा विभाग पर जो है दबाव बनाना होगा, तभी जो है सफलता प्राप्त होगी और आपको जो है नियुक्ति मिल सकेगी। साथियों एक बार आप स्वयं सोचिए कि जब सिफु 1100 के अनुभव सत्यापन में इतना लंबा समय ले रहा है, तो ये तो संख्या 22000 की है, 7000 ANM में, 15000 के आसपास जो है नर्सिंग ऑफिसर में जो है अनुभव का पुनर्सत्यापन होना है, तो इस हिसाब से तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। साथियों सिफु और चिकित्सा विभाग पर दबाव बनाना है, जिसे होल्ड पर रखना है रखे, शेष को नियुक्ति दो। जिनका काम पेंडिंग है, चाहे अनुभव का हो या फिर बाहरी डिग्री डिप्लोमा का हो, तो उसे कारण सहित लिख दो कि वह इस कारण से होल्ड पे रखा गया है। साथियों बाहरी राज्यों की डिग्री डिप्लोमा की जो है जांच लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एक जगहों को छोड़कर सभी राज्यों में जो है इन बाहरी डिग्री डिप्लोमाओं की जो जाँच है वो लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। नर्सिंग ऑफिसर ANM के एक साथ जो है पुनर्सत्यापन अब होने चाहिए, तभी जो है साथियों आपको जुलाई अगस्त तक जो है नियुक्ति मिल सकेगी। तो साथियों आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप सबको एकजुट होना है, और ये जो नर्सिंग जो संघर्ष समिति है, नर्सेज संघर्ष समिति, उन साथियों से भी मेरा एक ही अनुरोध है, और मैं जो है सियाराम जी डोडवाड़िया और शंकर जी गुज्जर और इसी के अलावा जो अनुराग नेहरा है, उन सभी जो है भाइयों से मैं एक बार बात करूंगा कि इन बेरोजगार युवाओं को जो है जल्द से जल्द जो है नियुक्ति मिले, और एकजुट होकर के जो है दोबारा से जो है सिफु और चिकित्सा विभाग पर एक बार फिर से जो है दबाव बनाना होगा। साथियों आपको पता होगा चुनाव कंप्लीट हो चुका है, अब जो है आपका कार्य जो है पूरा हो सकता है, क्योंकि साथियों आप सभी को दोबारा से जो है एकजुट होना है, और अब जो है आपकी एक ही प्रमुख मांग होगी कि नर्सिंग ऑफिसर और ANM के अनुभव पुनर्सत्यापन एक साथ होने चाहिए, और इसी के अलावा कोई बहाना नहीं चलेगा होल्ड वालों का या फिर बाहरी डिग्री वालों का। जिनका भी अगर कोई बहाना है तो उन सभी को, जिनका काम पेंडिंग है तो उनको होल्ड पे रख दिया जाए, और शेष का कार्य जो है कंप्लीट किया जाए, शेष को जो है नियुक्ति दी जाए। साथियों एक बात आपको फिर से बताना चाहूँगा कि
10-20 50 या 100 लोगों की वजह से जो शेष जो बचे हुए अभ्यर्थी है उन बेरोजगार युवाओं को जो है परेशान क्यों किया जा रहा है। 10 लोगों की वजह से 1000 लोग अगर परेशान होते हैं तो उन 10 लोगों का जो है होल्ड पे रख दिया जाए, उन 10 लोगों को होल्ड पे रख दिया जाए, उनका कार्य बाद में कर लिया जाए और इन शेष लोगों को जो है नियुक्ति, इन शेष बेरोजगारों को जो है नियुक्ति दी जाए। मेरी सिफु और चिकित्सा विभाग और चिकित्सा मंत्री से एक ही अपील है कि इन बेरोजगार साथियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। साथियों, एएनएम के करीब करीब 7000 जो है से ज़्यादा अनुभव पुनर्सत्यापन होने हैं और नर्सिंग ऑफिसर के 15000 के आसपास जो है पुनर्सत्यापन का कार्य अभी होना बाकी है। तो इन दोनों के अनुभव पुनर्सत्यापन का आदेश एक साथ सीफू को जारी करना होगा। ये प्रमुख मांग जो है हमारी होनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों जुलाई अगस्त के अंतर्गत आपको नियुक्ति मिल सके। अन्यथा अगर आप ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो आपको दिवाली से होली ऐसे ही आपकी जो है लगातार समय निकलता जाएगा और आप सपने ऐसे ही सजोते रहोगे, देखते रहोगे कि कब हमें नियुक्ति मिलेगी, कब हमें नियुक्ति मिलेगी। तो साथियों, एक बार फिर से जो है नर्सेज संघर्ष समिति की टीम को टीम से मेरा अनुरोध है कि एकजुट होकर के सभी साथियों को एकजुट करके और ये जितने भी जो नेता है नर्सेज संघर्ष समिति के, सिया राम जी डोडवाड़ी, अनुराग नेहरा जी और शंकर जी गुज्जर, इनसे मेरा अपील है, अनुरोध है और इन भाई साहब से मैं एक बार बात भी कर लूँगा कि जल्द से जल्द कोई जो है धरना प्रदर्शन सिफू के बाहर दबाव बनाने को लेकर के जो है नियुक्ति प्राप्त करने को लेकर के जो है एक बार फिर से एकजुट होना होगा सभी साथियों को, तभी जो है आप सभी को जो है नियुक्ति जुलाई अगस्त के अंतर्गत मिल सकती है। अन्यथा साथियों, आपकी जो भर्ती है जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी और 1-1.5 साल का और समय जो है सही निकलता जाएगा। तो अगर आपको जुलाई अगस्त में नियुक्ति चाहिए तो नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम बहनों का जो है पुनर्सत्यापन का आदेश एक साथ निकलना चाहिए और पुनर्सत्यापन का जो कार्य है वो भी दोनों का एक साथ ही होना चाहिए। और जिनको होल्ड पर रखना है उसे रखे, शेष को नियुक्ति दे। जिनका काम पेंडिंग है, चाहे अनुभव का हो चाहे बाहरी डिग्री का हो, तो उसे कारण सहित लिख दो कि वह इस कारण से होल्ड पर रखा गया है और शेष जो बेरोजगार युवा है उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यह जो बात है जो सभी नर्सिंग के साथियों तक पहुंचनी चाहिए और नर्सेज के जो नेता है संघर्ष समिति के जो सियाराम जी डोडवाड़िया और शंकर जी गुज्जर, अनुराग नेहरा जी, उन सब से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द जो है सीफू और चिकित्सा विभाग पर दबाव बनाने का जो है एक संघर्ष का जो है नया सपना सोचे और दबाव बनाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा मंत्री से जो है जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करें, जिससे कि आपका कार्य तय समय पर जल्द से जल्द हो सके और आपके परिवार में खुशियां आ सके। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब एकजुट हो जाओ साथियों, तभी नियुक्ति मिलेगी। अन्यथा ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है साथियों। तो मेरा अनुरोध है और इन भर्तियों से संबंधित अन्य कोई जैसे ही अपडेट होगा तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।